गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन न वेलकम यू वंस अगेन इन योर साइंस क्लास एज यू नो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर लेसन नंबर एट दैट इज अबाउट फूड है ना बेटा हम पिछली वीडियो में अपना ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लेसन नंबर एट जो कि किसके बारे में है फूड के बारे में और इसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू और हमने बुक के थ्रू ये डिस्कस कर लिया था कि द फूड विच वी गेट फ्राम प्लांट्स एंड द फूड विच वी गेट फ्राम एनिमल्स तो ये कुछ हम टॉपिक डिस्कस कर कर चुके थे और उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि प्लांट के भी कौन कौन से पार्ट से हमें फ़ूड मिलते हैं ठीक है जिसमें हमने पढ़ लिया था सीड्स के बारे में है ना एंड लीव्स के बारे में ये दो टॉपिक हम कर चुके थे ना टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ प्लांट From where we get the food and that part is stem. ठीक है, we have already discussed about the seeds and leaves के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. Now we will study the another part of plant that is stem. ना potato is a very common. आप देख चुके हो potato. मैंने video में भी आपको बताया था ना activity जब हमने की थी कि potato, onion, ginger, these all are the stem. अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो जो हमारी प्लांट की स्टेम होती है वो कैसी होती है तो इनको हम स्टेम क्यों कह रहे हैं बट बेटा दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ स्टेम लेकिन ये स्टेम कौन सी है अंडरग्राउंड स्टेम जनरली जो आपकी स्टेम्स जो होती हैं वो आपकी प्लांट के मिट्टी से बाहर होती हैं है ना बट ये वाली जो स्टेम्स हैं दे आर द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द प्लांट ये प्लांट की अंडरग्राउंड है यानी कि ये जमीन के नीचे होती है बट फिर भी इनको हम क्या कहते हैं स्टेम ऑफ़ द प्लांट बिकॉज दीज आर द मॉडिफिकेशन ये क्या है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिनके बारे में डिटेल में आपका पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लासेज में हो जाओगे ठीक है तो इसमें कहता है अदर स्टेम्स विच आर ओवन ईट एज अनियन जिंजर एंड स्टेम ऑफ लोटस ये लोटस के स्टेम है जिसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं ये भी हमारी क्या है स्टेम यानी कि जो हम पोटैटो खाते हैं अनियन खाते हैं जिंजर खाते हैं ऑल दीज आर दार्ट ऑफ प्लांट कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है ये स्टेम ठीक है एज अ वेजिटेबल हम इनको खाते हैं बट दे आर एक्चुअली द स्टेम ऑफ देयर प्लांट क्लियर हो गया ना नेक्स्ट इज अबाउट रूट्स अब बात करते हैं रूट्स की अब रूट्स आपको जनरली पता है प्लांट की जो रूट होती है वो कहाँ पर होती है सॉयल के अंदर है ना मिट्टी में होती है और वो हम रूट्स खाते नहीं लेकिन देर आर सम एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं लाइक कैरट रेडिश टर्निप ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम खाते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग बात है एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है आप इसको एज अ वेजिटेबल तो खाते हो बट ये प्लांट की क्या होती हैं रूट और ये रूट्स भी कैसी हैं मॉडिफाइड जनरली जो प्लांट्स की रूट होती हैं आप उनको खाते नहीं वो मिट्टी में होती हैं लेकिन ये वाली जो रूट्स हैं ये मॉडिफाइड होती हैं इनके अंदर फूड स्टोर होता है और इसी वजह से हम इनको कुक करके भी या रॉ फॉर्म में भी खा लेते हैं ठीक है यस बेटा तो कहता है द रूट ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज अ फूड तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा कैरेट रेडिशन टर्निप नेक्स्ट आता है फ्रूट्स ओके okay, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में एज यू नो फ्रूट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी फ्रूट्स हमें फिट और हेल्दी रखते हैं एंड ये हमें डिजीजेज से प्रोटेक्ट भी करते हैं सो लेट एस सी एन एक्टिविटी अबाउट द फ्रूट यस बेटा ना अभी अभी हमने डिस्कस किया हमारे रूट्स के बारे में है ना कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम एज अ फूड खाते हैं बट एक्चुअल में वो प्लांट के कौन से पार्ट थे रूट्स नाउ द नेक्स्ट इज फ्रूट्स अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये तो सभी को पता है एप्पल जो है वो एक फ्रूट है है ना बट टमेटो आप इसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हो बट डू यू नो कि जो टमैटोज़ हैं लेमन है ब्रिंजल है दे आर द फ्रूट ऑफ द प्लांट ठीक है एक्चुअल में ये क्या है अपने प्लांट प्लांट का कौन सा पार्ट है ये फ्रूट्स है ठीक है हम इसको एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं लेमन को भी हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं बट अगर हम प्लांट्स के पार्ट की बात करते हैं तो दीज आर द फ्रूट्स ऑफ द सॉरी फ्रूट्स एंड एज द पार्ट ऑफ द प्लांट अगर हम प्लांट के पार्ट की बात करते हैं तो दीज आर दम्स अंडर द फ्रूट्स क्लियर माइडियर किट्स ओके सो so, बेटा आज अभी आपने देखा कि मैंने आपको दो तीन यहाँ पे फ्रूट्स दिखाए अपनी एक्टिविटी में ठीक है और एक भी बताया कि इनमें से एक्चुअल में है इनको एज अ वेजिटेबल खाते हैं लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया टमाटो का लेमन का बट एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा है वो एज अ फ्रूट तो कहते हैं वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स हम सभी को फ्रूट्स खाना पसंद है क्योंकि ये स्वीट होते हैं जूसी होते हैं जैसे लाइक मैंगो है ऑरेंजेज हैं ग्रेप्स हैं मस्क मेलन वाटरमेलन इनको तो आप कच्चा ही खाते हो इनको तो आप बोलते भी फ्रूट्स ही हो लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आप कुक करके फिर खाते हो लाइक ब्रिंजल ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ अभी एक्टिविटी में लेडी फिंगर है ना भिंडी आप इसको कच्चा नहीं खाते इसको आप कुक करके खाते हो लेकिन ये भी एक तरह से अपने प्लांट का क्या है ये फ्रूट है हम तो एज अ वेजिटेबल खाते हैं लेकिन प्लांट का क्या है ये फ्रूट है इसी तरह से टमाटो इसको आप रॉ फॉर्म में भी खा सकते हो एज़ वेल एज कुक करके भी खा सकते हो तो ये तो हमारे वो वाले फूड हो गए जो हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स नाओ नेक्स्ट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स वैसे तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक्टिविटी में तो एक बार हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं कहता प्लांट्स है, कैन नॉट आलवेज़ फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारी पॉपुलेशन है तो प्लांट्स के लिए इतना इनफ नहीं है कि वो सारा हमें फ़ूड प्रोवाइड कर सकें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए कौन कौन से हैं लाइक मिल्क एग मीट एंड फिश अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर मोस्टली जो पीपल्स हैं जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है जो वेजिटेरियन है दे विल ईट राइस वो ज़्यादातर राइस खाते हैं या फिर एज वेल एज दे ईट कोकोनट की जो बनी हुई डिशेज़ हैं वो खाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन ओके तो इससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है ये भी बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग सारे ही वेजिटेरियन हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि इतनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो चुकी है कि बैलेंस और होना बड़ा मुश्किल है तो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सम जो हमें फूड प्रोडक्ट्स हैं अपने एनिमल से भी हम लें तो कहते हैं मिल्क ऑफ सम एनिमल्स लाइक काओ बफ़ेलो गॉट ये आप सब लेते ही हैं काओ का बफेलो का घर में दूध आता है ना माँ आपको भी देती हैं मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का सबके लिए और स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन्स के लिए तो मिल्क प्रोडक्ट मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं लाइक कर्ड यानी कि दही चीज़ यानी पनीर आइसक्रीम खीर ये भी हम सभी को बहुत पसंद हैं एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एग जो आप लोग खाते हैं हैन के हो सकते हैं गूज के या डक के ये भी बहुत सारे पीपल एज अ फूड प्रेफर करते हैं फिश एज वेल एज द मीट ऑफ सम एनिमल्स इट्स टेकन बाय मैनी पीपल और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिश को भी एज वेल एज और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको एज अ फूड वो खाते हैं क्लियर हो गया फिर नेक्स्ट आता है डू यू नो में मिल्क इज़ कंसिडर टू बी कम्प्लीट फूड मिल्क को कम्प्लीट फूड माना जाता है क्योंकि मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ठीक है तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कंप्लीट फूड है इट हेल्प अस टू ग्रो ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है ये हमें एनर्जी देता है और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है क्लियर है अब क्योंकि ये तीनों काम करता है ये हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है तो इसीलिए इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है अंडरस्टूड डेट्स वाई इट इज नोन एज कंप्लीट फूड अब यहां पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं वही एग हो गया मिल्क हो गया फिश हो गया मीट हो गया ठीक है येस डियर स्टूडेंट्स सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे आज हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो फूड फ्रॉम एनिमल्स हमें कौन से मिलते हैं एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स कि प्लांट्स के हम कौन कौन से पार्ट से फूड ऑप्टेन करते हैं ओके okay बेटा तो थैंक यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वारीरी सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी यू कैन मैसेज मी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हर चीज़ बिल्कुल क्लियर से समझ आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए थैंक यू माई डियर किड्स